हुआ है, आम परिवार से, मध्यम परिवार से, दूर दराज इलाकों से हैं, उनको नेशनल पॉलिटिक्स में और स्पेस और जगह इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आज जिस तरीके से हम जैसे को युवाओं को मौका मिला है, तो यही हम आगे उम्मीद करते हैं कि और हज़ारों युवाओं को हर पिछड़े वर्ष से हर इलाके से नेशनल पॉलिटिक्स और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी जी और बढ़ चढ़ कर मौका देंगे। गुजरात चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं कल ही रात को गुजरात से आया, वहाँ पर युवा बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, हर युवा ये बोल रहा है कि विकास कहाँ पर है उसको सब ढूंढ रहे हैं। एक तो मैंने सुनी कोई सोशल वर्कर्स ने विकास खोज यात्रा निकाल दी है, कल मैंने उनको बोला, बड़ी अजीब बात है। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने से जो वहाँ के युवा हैं उनको विश्वास बढ़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में राहुल गांधी AICC प्रेसिडेंट होंगे और इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी ही चुने गए अध्यक्ष, ये पहले से ही निश्चित था। देखिए, आप इस बात को समझिए कि NSUI में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम NSUI में चुनाव राहुल जी ने लोकतंत्र लाया था, यूथ कांग्रेस में लाया था, और कांग्रेस पार्टी में भी वो आज से नहीं है, एक ज़माने से ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और यहाँ पर इलेक्शन होता है। लोग तो बहुत सी चीज़ें भी आज भी आपने देखे, पूरे देश से डेलीगेट्स आए, जो डेलीगेट चुना गया, जो PCC मेंबर बना गया है वो वहाँ पर यहाँ पर आए और उनने प्रपोजल दिया और राहुल गांधी जी का आज नॉमिनेशन था, इलेक्शन है, पूरी डेमोक्रेसी प्रोसेस। मगर राहुल गांधी जी का स्तर इतना बड़ा है, हम जैसे युवा और पूरे देश के युवा चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, और राहुल गांधी ही बनेंगे, तो इसमें दो राय नहीं। बाकी विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे।